नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आईपीएस पेंशनर्स के प्रति अन्याय के विरोध में आज देशव्यापी आक्रोश पखवाड़ा आयोजित कर पेंशनर कर्मियों ने अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किया। ईपीएस 95 नेशनल एग्रीटेशन कमेटी के बैनर तले भूपेंद्र यादव श्रम व रोजगार मंत्री भारत सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि ईपीएस 95 पेंशनर्स पिछले 7 वर्षों से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। लगभग सभी सांसदों, मंत्रियों व जनप्रतिनिधियों को पेंशनर्स की बदहाली के विषय में विस्तार से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसी को लेकर आज ईपीएस 95 नेशनल एग्रीटेशन कमेटी के तत्वाधान में पेंशनर्स कलेक्टर परिसर पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम एके सिंह है, पूरा नाम अजय कुमार सिंह है। मैं ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का जिलाध्यक्ष हूं और आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी जनपद हैं 766 सबके समक्ष ईपीएस 95 पेंशनों का धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी द्वारा प्राप्त हुआ है। उसी के क्रम में हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और इसमें पूरे भारतवर्ष के जितने भी औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, मीडिया के कर्मचारी हैं और आपके रोडवेज के कर्मचारी हैं, निगमों के कर्मचारी हैं, सबको पेंशन मात्र जो है 1000-1500 रुपया पेंशन मिलती है, जो इस महंगाई के ज़माने में बहुत ही कम है। इसमें पति पत्नी का खर्चा नहीं हो सकता है, इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार से हेमा मालिनी जी, सांसद के माध्यम से 2 बार मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ, हम आपकी मांग को उठाएंगे और आप लोगों को न्याय मिलेगा। आप लोगों की पेंशन न्यूनतम जो है 7500 रुपया प्लस आपको महंगाई भत्ता और आपका जो है आयुष्मान कार्ड चिकित्सा सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस क्रम में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ। अभी सब मंत्रालय के सामने धरना प्रदर्शन हो रहा था 4 अगस्त को, वहाँ पर उन लोगों ने बर्बरतापूर्वक हमारे पदाधिकारियों को हटाया और हटा करके उनको पुलिस ने बंद कर दिया और रात को 8 बजे जा कर के छोड़ा। इन्हीं सब क्रमों के क्रम में हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांग है कि भाई 7500 रुपया कम से कम न्यूनतम पेंशन किया जाए और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभी पेंशनधारी जितने भी हैं, पीपीओ जिनको जारी है ईपीएफओ के द्वारा, उन लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाए ताकि वो अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सके। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।